कह रहा है कि अ हॉर्स कंटिन्यूस टू अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए बात समझिए, क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं वो घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, आगे घोड़ा रहता है और पीछे कुछ कार्ट एक रहता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये कार्ट पे मान लीजिए लोग बैठे हुए हैं दो लोग, और ये कार्ट के रबर के टायर चलिए मैंने लगा दिए यहाँ, और यहाँ कहीं आपका हॉर्स रहता है। ठीक, तो इसका पहले चलने का मैकेनिज्म देखिए, पता है कैसे चलती है। देखिए अगर आप जाओ इसको खींचो तो आप नहीं चला पाते हो, बात समझो। अगर हम आपको लगा दें घोड़े की जगह, देखिए आप क्या करोगे, आप पैर को बेंड करोगे ऐसे, घोड़ा भी यही करता है। ठीक है, आपने पैर को, चलो मान लो तुमको बांध दिया मैंने यहाँ, तुमने ऐसे पैर को बेंड किया, बेंड करके तुम पीछे फोर्स लगाते हो, ध्यान दो। जब तुमने ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो ग्राउंड भी तुम पे एक फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, भाई तुमने ग्राउंड को दबाया ग्राउंड तुमको दबाएगा आगे की दिशा में। लेकिन ग्राउंड से जो तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता है, भाई तुमने क्या किया, एक्शन, बेंड करके पैर ऐसा पीछे दबाया, ग्राउंड से तुमको क्या मिलेगा, रिएक्शन। लेकिन ध्यान दें, ग्राउंड से जब आपको रिएक्शन मिलेगा आपके पैर पे ऐसे, ठीक, तो आप आगे जाने चाहिए और आपके साथ साथ ये देखिए बांध दिया है हमने कार्ड को, कार्ड भी आगे जाना चाहिए आपसे बंधा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये देखिए जो ये जो टायर लगे हुए हैं, ये जब आगे मोशन करेंगे तो आपको पता है एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। Yes, sir. ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ना चलने नहीं देगा शुरू में इसको, मतलब जो तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन मिला है ग्राउंड से, जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, कौन से फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक, क्योंकि जब तक बॉडी रुकी रहती तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और जब बॉडी चलने लगती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमने बांधा, आपने खूब पुश किया, चलता ही नहीं, क्यों नहीं चलता है, सुनो, क्या तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलता है क्या ग्राउंड से, मिलता है, लेकिन वो फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाता है। पता लगा फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है कितना, 5 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो 5 न्यूटन, और तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन केवल कितना मिल रहा है, 4 न्यूटन, चल ही नहीं पाओगे। जब तक तुमको 5 से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलेगा तब तक तुम नहीं चल पाओगे। अब हमने तुमको हटा दिया, घोड़े को लगा दिया, घोड़ा ताकतवर होता है ना, ठीक है, अब इसने बेंड किया और इसके पास ज्यादा फोर्स है, तो ये ज्यादा एक्शन लगाएगा ग्राउंड पे, और ग्राउंड इस पे ज्यादा रिएक्शन लगाएगा, जब ग्राउंड इस पे ज्यादा रिएक्शन लगाएगा, ग्राउंड इस पे फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देगा। असल में सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन, तो ग्राउंड इस पे फॉरवर्ड रिएक्शन दे रहा है सपोज 9 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का, तो ये चलने लगेगा। ठीक है, कितने रिजल्टेंट फोर्स से चलने लगेगा, 5, मान लो 9 न्यूटन फॉरवर्ड रिएक्शन मिला, तो 5 तो स्टैटिक था, तो 5 चला गया, 5 को कैंसिल करने में बचे कितने, 4, तो 4 रिजल्टेंट फोर्स से ही आगे जाएगा, चलने लगा, मैकेनिज्म आ गया चलाने का। अब चलने दो इसको, अब बात करो, अब जब चलेगा बच्चों तो क्या फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स है। अब कौन सा है, अब है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो, ध्यान से जरा सुनना मेरी बात, मान लो घोड़ा चला बेचारा, चलता चला जा रहा, आप बोल लो हाँ बड़ा बढ़िया चल रहा है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से, अब क्या हुआ, ये रस्सी टूट गई, मान लो, ठीक, रस्सी टूट गई, घोड़ा या घोड़ा गायब हो गया अचानक से, लेट अस अज्यूम घोड़ा गायब हो गया, मान लो थोड़ी देर के लिए। एक बात बताइए, क्या कार्ट, हालांकि ये लोग गिर जाएंगे, लेट अस अज्यूम कि नहीं गिरते हैं और ये बैलेंस है, मान लो 4 पहिए लगे हुए हैं, लोग खुश, एक इसके पीछे ये है तो बैलेंस रहेगा ना। कुछ बच्चे बोले तो गिर गया, उसी में उनका दिमाग चलाएगा, ये तो गिर गया आगे पड़ेंगे नहीं, गिरा नहीं है। सुनो, सपोज ये चला जा रहा है, घोड़ा अचानक से गायब हो गया हॉर्स, ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बात यहाँ पर ये है, क्या ये इसी तरीके से चलता जाएगा, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो क्या इसी स्पीड से चलता जाएगा, खुद दिमाग लगाओ, नहीं, हाँ इसके, अरे डिसलरेट हो जाएगा धीरे धीरे, क्यों, अरे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको चलने कहाँ देगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डाउन होगी, 5 से 4 होगी, 4 से 3 होगी, 3 से 2, 2 से 1, और फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम निगलेक्ट भी कर दें तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये कम टू 0, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। अब सुनिए, अब घोड़े को वापस पकड़ कर दो यहाँ, ठीक, अब घोड़ा इसकी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है कि नहीं, वो लगातार पैर पीछे मारता जाता है, क्यों बताओ, लगातार जब घोड़ा पीछे पैर मारता है तो उसको लगातार रिएक्शन फोर्स मिलता जाता है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस डायरेक्शन में घोड़े को क्या मिलेगा, हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स, और फ्रिक्शनल किधर पैदा हो रहा है, इधर, तो लगातार ये सुनो, वेलोसिटी कौन कम कर रहा था, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड को कौन कम कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स
इधर लग रहा होता है और घोड़ा लगातार पैर से जमीन को मारता जाता है, रोड को मारता, तो लगातार लगातार हर पल रिएक्शन फोर्स मिलता जाता है। किसको? घोड़े को। घोड़े से कार्ड बंधा हुआ तो कार्ड भी लगातार आगे चलता जाएगा, यानी कि हर पल घोड़ा पैर को पीछे मार मार के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करता जाता है कि नहीं करता जाता है। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसकी स्पीड को कम नहीं कर पाएगा और इस तरीके से जो घोड़ा है वो एक कांस्टेंट स्पीड को, लगभग कार्ट की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में कामयाब रहेगा। बात समझ में है कि नहीं है? yes, तो ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कैन ए हॉर्स कंटिन्यूस टू अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड? ठीक है, घोड़ा लगातार फोर्स लगाता रहता है और इस तरीके से वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड बनाता रहता है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो। अब जो मैंने आपको बता दिया आप चाहे वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए हमने कुछ आंसर लिखा है, बढ़िया, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने सबसे पहले लिखा क्या कि द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, बच्चों ध्यान दें, द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, लगातार जो फोर्स अप्लाई करता रहता है हॉर्स, किस पे? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से उसको एक क्या मिलता है? रिएक्शन। और वही रिएक्शन फोर्स मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसको ओवरकम करता है? फ्रिक्शन को। तो हमने इतना लंबा ना लिख के सिंपली हमने क्या लिख दिया कि द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स बैलेंसेस द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को लगातार बैलेंस करता जाता है। समझ गए? बस खत्म कहानी, इतना लिख दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी, फिर भी अगर आपको लिखना हो तो ये कहानी भी लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है व्हेन द कार्ट इज मूविंग ऑन द रोड इट हैज टू काउंटर एनकाउंटर फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शनल फोर्स को एनकाउंटर करना होता है, उसका विरोध करना होता है, तभी वो आगे चल पाएगी। टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड सम फोर्स नीड टू अप्लाई कंटीन्यूअसली टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है, लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए आपको लगातार एक फोर्स की जरूरत होगी। जो फोर्स आपको कहां मिले? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिले, जो किसको ओवरकम कर दे? फ्रिक्शनल फोर्स को। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा ये तभी मिलेगा जब घोड़ा लगातार ग्राउंड को पीछे ढकेलता रहेगा, ताकि ग्राउंड भी उसको आगे ढकेलता रहे। तो यही बात हमने यहां लिखी है, हेंस द हॉर्स नीड टू कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई द फोर्स इन ऑर्डर टू अप्लाई द फोर्स मींस अप्लाई द फोर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव द कार्ट विद कॉन्स्टेंट स्पीड। इस तरीके से कार्ट की स्पीड जीरो नहीं होने पाती है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स उसकी कुछ चल नहीं पाती है। ठीक है, और बस इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से कार्ट चलती है। नोट कर लीजिए।